दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, और ये जो स्टोरी है बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वेयर आर अदर टू फूल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो वर्तमान में हो और वहाँ पर किसी भी तरह की क्रिया का प्रयोग ना किया जाए। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। तो ये हमारा जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर आर अदर टू फूल्स मतलब कि दो अन्य मूर्ख कहाँ हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल्स इंटेलिजेंस नेवर सीज्ड टू सरप्राइज द एम्परर ऑफ आगरा अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जिसमें नेवर का प्रयोग किया गया। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं और वहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं तब हमें हमेशा ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ को नोट कर लीजिए, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इस वाक्य में नेवर का प्रयोग किया गया। तो यदि आप पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे लेकिन आप वहाँ नेवर का प्रयोग करते हैं तब आपको वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं, क्या मतलब हुआ दोस्तों। सीज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रुकना, किसी चीज़ का थम जाना, किसी चीज़ का रोका जाना, उसे सीज कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म में सीज्ड, तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, बीरबल्स इंटेलिजेंट। यहाँ बीरबल के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कोई जोड़ना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी, बीरबल्स इंटेलिजेंस मतलब कि बीरबल की बुद्धिमानी, नेवर सीज मतलब कभी नहीं रुकी, टू सरप्राइज हैरान करने से द एम्परर सम्राट को ऑफ आगरा, आगरा के सम्राट अकबर को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बीरबल्स इंटेलिजेंस नेवर सीज टू सरप्राइज द एम्परर ऑफ आगरा अकबर मतलब कि बीरबल की बुद्धिमानी ने कभी भी आगरा के सम्राट अकबर को हैरान करना बंद नहीं किया, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए, सो इसलिए द एम्परर यूज्ड टू गिव बीरबल इंटरेस्टिंग टास्क एज ही वांटेड टू सी हाउ ही वुड फिनिश देम विद हिज विट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये लंबा सेंटेंस है, इसको दो बार में ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए ये जो वाक्य है यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। पास्ट में यूज टू का प्रयोग कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है, जब आप पास्ट में कोई ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति कोई आदत थी, कोई व्यक्ति कुछ काम को बराबर करता था तो वहाँ यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए द एम्परर यूज्ड टू गिव, गिव मतलब देना, बीरबल इंटरेस्टिंग टास्क, इसलिए सम्राट बीरबल को इंटरेस्टिंग टास्क मतलब कि दिलचस्प जो काम होते थे वो देते थे, एज जैसे कि ही वॉन्टेड टू सी, वो ये देखना चाहते थे हाउ ही वुड फिनिश देम कि वो उनको कैसे पूरा करेंगे विद इस विट अपनी बुद्धिमानी से। तो दोस्तों पूरी ये सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ से देख लेते हैं, सो मतलब इसलिए जो सम्राट थे वो बीरबल को इंटरेस्टिंग टास्क मतलब कि जो कुछ दिलचस्प रोचक जो काम होते थे वो देते थे, दिया करते थे, एज ही वॉन्टेड टू सी मतलब वो देखना चाहते थे कि हाउ ही वुड फिनिश देम विद हिज वर्ड मतलब वह इन कामों को अपने बुद्धिमानी से कैसे पूरा करेंगे, कैसे उनको ख़त्म करेंगे। चलिए आगे देखिए,
वंस बीरबल वॉज आस्क्ड बाय अकबर टू सर्च फॉर फूल्स इन द किंगडम एंड समन देम इन फ्रॉम इन फ्रंट हिम। दोस्तों यहाँ एक मिसप्रिंट है क्योंकि ग्रामर के रूल के हिसाब से फ्रंट हिम गलत है, तो ये होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ हिम, तो आप इसमें ऑफ मान लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको गलत पढ़ें, तो यहाँ पर ओ एफ आप मान के चलिए, हो सकता है प्रिंट के कोई कारण हो सकता है, तो यहाँ ऑफ है। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। वंस एक बार वीरबल वॉज आस्क्ड बाय अकबर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग अप के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा, आस्क का मतलब होता है पूछना। इसके अलावा आस्क का एक और मतलब होता है, जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं तो उसका अर्थ भी आस्क होता है। तो इसका मतलब देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। वंस एक बार बीरबल वॉज आस्क्ड बाय अकबर, मतलब कि बीरबल को अकबर के द्वारा कहा गया टू सर्च ढूंढने को फोर फूल्स चार मूर्ख इन द किंगडम राज्य में एंड समन देम, समन देम मतलब समन का मतलब तो बुलाना, एंड समन देम और उनको बुलाने के लिए इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार बीरबल को अकबर के द्वारा चार मूर्खों को तलाश करने, मतलब चार मूर्खों को राज्य में तलाश करने को कहा गया एंड समन देम इन फ्रंट ऑफ हिम और उनके सामने उनको बुलवाने को कहा गया। समन को दोस्तों आप नोट कर सकते हैं SUMMON, समन मतलब किसी को बुलवाना, किसी को बुलावा भेजना। चलिए आगे देखिए। एट फर्स्ट मतलब कि पहले तो बीरबल वॉज कन्फ्यूज्ड। दोस्तों कन्फ्यूज एडजेक्टिव है और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सिंपल प्रेजेंट होता है उसी तरह से सिंपल पास्ट भी होता है, जहाँ पर वॉज या वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ग के रूप में होता है, साथ में एडजेक्टिव नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो और जो कन्फ्यूज्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भ्रमित। तो क्या अर्थ हुआ एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब कि पहले तो बीरबल वॉज कन्फ्यूज, जो बीरबल थे वो भ्रमित हो गए, कन्फ्यूज हो गए। बट लेकिन लेटर मतलब कि बाद में फेल्ट अम्यूज। दोस्तों फील अम्यूज एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुश, और फील अम्यूज का मतलब होता है खुश हो जाना, और सेकंड फॉर्म में फेल्ट अम्यूज। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पहले तो बीरबल कन्फ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, बट लेटर फेल्ट अम्यूज, लेकिन बाद में उन्हें अच्छा लगा। ही सैड, उन्होंने कहा योर मजेस्टी महाराज आई एल डू एज यू से। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल, इसका मतलब होता है विल, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ आई एल डू एज यू से, मतलब जो जैसा आप कहते हो मैं वैसा करूँगा। हाउ एवर, हालाँकि आई नीड अ फ्यू डेज, लेकिन हालांकि मुझे कुछ दिनों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। नीड मतलब होता है ज़रूरत। टाइम आई नीड ए फ्यू डेज टाइम, मतलब मुझे कुछ समय की ज़रूरत है, कुछ दिनों के समय की ज़रूरत है। जैसे कि द वर्ल्ड इज़ नो शॉर्ट ऑफ फुलिश पीपल, क्योंकि ये जो संसार है, दुनिया है, इज़ नो शॉर्ट ऑफ फुलिश पीपल, वो उसके अंदर इज़ नो शॉर्ट ऑफ फुलिश पीपल, मतलब कि उसके अंदर मूर्खों की, मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है। दस इस प्रकार से आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कि पेश करना चाहता हूँ द बेस्ट ऑफ देम, मतलब उनमें से जो सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, उनमें से मैं आपको, मतलब उनको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ बिफोर यू, आपके सामने। चलिए तो दोस्तों इस बात को भी आप समझ ही गए होंगे कि जो बीरबल थे उन्होंने राजा साहब से कहा कि भाई मुझे कुछ दिनों के समय की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दुनिया है, संसार है, इसमें मूर्खों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने जो सबसे अच्छे, बेस्ट ऑफ देम, मतलब जो मूर्खों में भी जो सबसे अच्छे प्रकार के मूर्ख हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। अकबर अग्रीड, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। अकबर अग्रीड टू बीरबल्स रिक्वेस्ट, और यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रोफी एस मतलब काके की, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध। अकबर अग्रीड टू बीरबल्स रिक्वेस्ट, मतलब अकबर बीरबल के अनुरोध अनुरोध पर वो सहमत हो गए। एज यूजुअल मतलब कि हमेशा की तरह, बीरबल सेट आउट टू फुलफिल द विश ऑफ हिज एम्परर, क्या अर्थ हुआ एज यूजल हमेशा की तरह बीरबल सेट आउट टू फुलफिल द विश ऑफ हिज एम्परर, मतलब हमेशा की तरह बीरबल अपने हिज एम्परर मतलब अपने सम्राट की इच्छा को पूरा करने के लिए, फुलफिलना पूरा करना, निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। वाइल ही वॉज स्ट्रोलिंग इन द पैलेस, दोस्तों स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना, इधर उधर टहलने से स्ट्रोल कहा जाता है, और ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। While he was strolling मतलब जिस दौरान वो सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, in the palace महल में, to look for the first fool, पहले मूर्ख को ढूंढने के लिए,
ही सॉ अ मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ थिंग्स, मतलब कि जो कैरी कर रहा था, कैरी मतलब कि जो ले जा रहा था अ प्लेट, एक प्लेट को फुल ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों से भरकर, सच एज जैसे कि स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्रूट्स फल एक्सेट्रा। तो क्या अर्थ हुआ, जब मतलब जब वो सब मतलब कि सैर कर रहे थे पैलेस में, महल में, तभी उन्होंने टू लुक फॉर द मतलब कि जब वो सैर कर रहे थे टू लुक फॉर द फर्स्ट फूल, जब मतलब एक उनको तलाश थी पहले मोर की, तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक प्लेट को लेके जा रहा था जिसके अंदर मिठाइयाँ और फल वगैरह जो थे उससे वो चीज़ें भरी हुई, उससे वो प्लेट भरी हुई थी। बीरबल फिल्ड विद क्यूरोसिटी, दोस्तों क्यूरोसिटी का मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब था उत्सुकता, जिज्ञासा। जो बीरबल थे वो जिज्ञासा से उत्सुकता से भर गए, आस्ट उन्होंने पूछा, द मैन आदमी से पूछा, फॉर होम ही वॉज टॉकिंग टेकिंग ऑल दोज थिंग्स, टेक मतलब ले जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा, फॉर होम ही वॉज टेकिंग ऑल दोज थिंग्स, मतलब वो इन सब चीज़ों को किसके लिए ले जा रहा है, फॉर होम मतलब किसके लिए। आगे देखिए, द मैन सैड, आदमी ने कहा, माई वाइफ लेफ्ट मी, दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ना, वो सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, माई वाइफ लेफ्ट मी मतलब द मैन सेड, आदमी ने कहा, माई वाइफ लेफ्ट मी, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, फॉर अनादर मैन किसी और आदमी के लिए, एंड नाउ और अब, शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और अब उसको एक मतलब कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी बॉय मतलब कि उसको एक बेटे बेटे का उसको मतलब बेटे को उसने एक जन्म दिया है, उसे एक बेटा पैदा हुआ है। आई एम टेकिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर हर, और मैं ये सारी चीज़ें उसके लिए ले जा रहा हूँ, फॉर हर मतलब उसके लिए। चलिए आगे देखिए, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट का अर्थ हुआ अगले ही पल, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, मतलब अगले ही पल या कह सकते हैं अगले ही क्षण। बीरबल थॉट, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकेंड मोमेंट थॉट मतलब बीरबल ने सोचा, दैट कि ही हैड गॉट द फर्स्ट फूल, बीरबल ने सोचा कि उन्हें पहला मूर्ख मिल गया है, सो इसलिए ही आस्क्ड हिम टू कम बिफोर द एम्परर, इसलिए उन्होंने उसे राजा के सामने मतलब सम्राट के सामने आने को कहा, बिफोर मतलब सामने, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब उसे अगली सुबह राजा के सामने उपस्थित होने को कहा, आने को कहा। द मैन अग्रीड टू कम, और जो आदमी था वो आने के लिए सहमत हो गया। चलिए आगे देखिए, देन बीरबल मूव्ड अहेड, मूव अहेड मतलब था आगे बढ़ना, सेकंड फॉर्म में मूव्ड अहेड, देन बीरबल मूव्ड अहेड, फिर जो बीरबल थे वो आगे बढ़े, इन सर्च ऑफ द सेकंड फूल, दूसरे मूर्ख की तलाश में वो आगे बढ़े। दिस टाइम मतलब कि इस बार, He had got out of the palace, मतलब इस बार वो महल से बाहर आ चुके थे, बाहर निकल चुके थे। Far in the fields, मतलब कि far in the fields मतलब दूर खेतों में, He saw a man, उन्होंने एक आदमी को देखा, trying कोशिश करते हुए, to ride a buffalo, एक भैंस की सवारी करने की कोशिश करते हुए, while carrying a bundle of grass on his head, while carrying मतलब कि ढोते हुए, a bundle of grass, एक ग्रास के घास के गट्ठर को, on his head मतलब अपने सर पर ढोते हुए, एक मतलब कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू राइड ए बफलो, जो एक भैंस को, भैंस पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। ही अप्रोच द मैन, अप्रोच का मतलब पास जाना, सेकंड फॉर्म में अप्रोच्ड, ही अप्रोच्ड द मैन मतलब वह उस आदमी के पास गए, एंड आस्क्ड और पूछा, हे मैन आदमी, आई सो यू क्लम्जिली राइडिंग द बफलो, दोस्तों क्लम्जिली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिल्कुल ही अनाड़ी तरीके से, अनाड़ीपन से, उसे क्लम्जिली कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना ना जाने लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा हो तो उसे क्लम्जिली कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उन्होंने क्या कहा, आई सो यू क्लम्जिली राइडिंग द बफलो, मतलब मैंने आपको इस बफलो पर, भैंस पर, क्लम्जिली मतलब कि बिल्कुल क्लम्जिली का मतलब यहाँ पर इस टाइप से कह सकते हैं कि मैंने आपको बिल्कुल अनाड़ीपन से बफलो पर सवार होते हुए देखा, सवारी करते हुए देखा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, वाई डोंट यू टाई द बंडल ऑफ ग्रास एट हर बैक, तो उन्होंने क्या कहा कि वाई डोंट यू टाई, टाई मतलब बांधना, वाई डोंट यू टाई द बंडल ऑफ ग्रास एट हर बैक, मतलब आप उसकी पीठ पर ये जो घास का गट्ठर है उसको क्यों नहीं बांध देते हो। चलिए आगे देखिए, द मैन इन अ वेरी कंसर्न टोन रिप्लाइड,
द मैन इन अ वेरी कंसर्न्ड टोन रिप्लाइड. दोस्तों कंसर्न्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित, और टोन मतलब स्वर, और रिप्लाई मतलब जवाब देना. तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मैन इन अ वेरी कंसर्न्ड टोन रिप्लाइड, मतलब आदमी ने बहुत ही चिंतित स्वर में जवाब दिया, सर श्रीमान द मैटर इज़ दैट, मतलब कि मामला ये है कि माय बफलो इज़ प्रेग्नेंट, मतलब जो मेरी भैंस है इज़ प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है, एंड इट वुड बी वेरी इनसेंसिटिव ऑफ मी, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए असंवेदनशील होगा ऑफ मी इफ़ आई डम्प्ड द बंडल एट हर बैक, यदि मैं इस मतलब गट्ठर को उसके पीठ पर लाद देता हूँ. दैट इज़ वाई आई एम कैरिंग इट, इसी वजह से मैं इसको ढो रहा हूँ. द रिप्लाई वॉज इनफ फॉर बीरबल, ये जो जवाब था वो बीरबल के लिए काफ़ी था टू डिसाइड, फैसला करने के लिए, द सेकेंड फूल, दूसरे मूर्ख का निर्णय करने के लिए उसका ये जवाब काफ़ी था. सो लाइक द फर्स्ट वन, इसलिए पहले वाले की तरह, ही टोल्ड दिस मैन, उन्होंने इस आदमी को कहा, टू रीच, पहुँचने को, द कोर्ट, दरबार में, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उस आदमी को दरबार में पहुँचने को कहा. और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रीच मतलब पहुँचना. द मैन नोडेड इन अग्रीमेंट एंड लेफ्ट, दोस्तों नोड का मतलब होता है सर हिलाना, सेकंड फॉर्म में नोडेड, अग्रीमेंट मतलब सहमति. तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अग्रीमेंट नाउन है जिसका मतलब सहमति. द मैन नोडेड इन अग्रीमेंट एंड लेफ्ट, मतलब जो आदमी था उसने सहमति में सर हिलाया एंड लेफ्ट, और वो चला गया. चलिए दोस्तों आगे देखिए. द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, बीरबल प्रेजेंटेड बोथ द फूल्स बिफोर द एम्परर, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, सेकंड फॉर्म में प्रेजेंटेड, जब हम किसी को पेश करते हैं कुछ भी तो उसे प्रेजेंट कहा जाता है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सेकंड फॉर्म में प्रेजेंटेड. तो देख लेते हैं इसकी मीनिंग. द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, बीरबल प्रेजेंटेड बोथ द फूल्स बिफोर द एम्परर, बिफोर मतलब सामने, मतलब कि अगले दिन बीरबल ने राजा के मतलब सम्राट के सामने दोनों मूर्खों को, बोथ द फूल्स मतलब दोनों मूर्खों को पेश किया. अकबर लिसन्ड टू देयर स्टोरीज, लिसन मतलब सुनना, और खासकर आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं दोस्तों, एच ई ए आर, हियर का मतलब भी सुनना होता है, लिसन का मतलब भी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क को आप समझ लीजिए. हियर का मतलब होता है सुनना, और लिसन मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना. अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें कि हियर और लिसन में क्या फ़र्क है, क्योंकि यदि आप फ़र्क को जानेंगे तभी आप इसका सही से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे कानों तक जो भी आवाज़ आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कान सुन रहे हैं. जैसे मान लीजिए आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपको वहाँ पर गाड़ियों की या किसी भी तरह की इधर उधर की आवाज़ आ रही है, बच्चों के खेलने की, और वो जो आवाज़ें हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने सुनने की शक्ति दी है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ वो आपके कानों तक आ रही हैं, क्योंकि वो आपके कानों का फंक्शन है कि जब आपके अगर आपके कान बिल्कुल ठीक हैं तो जो भी आवाज़ आपके आसपास होगी वो आपको सुनाई देगी, लेकिन आप उस पर कोई गौर नहीं कर रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके तक आ रही हैं, लेकिन आप उन पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इसको हियर कहते हैं. लेकिन जब आप किसी चीज़ को इंटेंशनली सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और आप अपनी ट्रेन को पकड़ने का वेट कर रहे हैं, और जब आप वहाँ पर अनाउंसमेंट को सुनते हैं तो आप बड़े ध्यान से जो ट्रेन का नंबर बताया जा रहा है आप उसको सुनते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं. हो सकता है जो बाकी लोग हैं वो उसको ना सुने, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनके काम की नहीं है, तो उनके लिए वो हियर है. लेकिन जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं आपके लिए वो चीज़ लिसन हो जाती है. तो मैं समझता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो चीज़ हम सुनते हैं लेकिन हम उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो उसे हियर कहा जाता है. लेकिन यदि हम कोई भी चीज़ ध्यान से सुनते हैं, इंटेंशन से सुनते हैं, तब हमें लिसन का प्रयोग करना होता है. तो दोस्तों कमेंट के करके ज़रूर बताएं यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो. चलिए आगे देखते हैं क्या मतलब हो. और कई बार ऐसे बीच में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं तो मैं सोचता हूँ आपको बता दिया जाए, ताकि आपको भी थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रहे. चलिए मतलब देखते हैं. अकबर लिसन टू देयर स्टोरीज़, मतलब अकबर ने देयर स्टोरीज मतलब उनकी कहानियों को ध्यान से सुना, एंड गेव आउट अ हार्टी लाफ, और वो बहुत खिल खिला के हंस पड़े. देन फिर ही आस्क्ड बीरबल, फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, वेयर द रेस्ट टू वर, मतलब फिर उन्होंने पूछा कि बाकी के दो कहाँ हैं. और दोस्तों कहानी के शुरू में ही आपने सुना होगा कि जो राजा साहब थे उन्होंने बीरबल को चार मूर्ख ढूंढने को कहा था, लेकिन यहाँ जो थे बीरबल जी वो सिर्फ दो को ही लाए थे, यही कारण था जो अकबर थे उन्होंने उनसे पूछा कि बाकी के दो कहाँ हैं, और यही कहानी का टाइटल भी था.
चलिए आगे देखते हैं, आगे पता लगेगा क्या था। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, विद नो ऑफेंस योर मजेस्टी, मतलब कि विद नो ऑफेंस योर मजेस्टी। दोस्तों विद नो ऑफेंस हम जब कहते हैं, जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो सामने वाले को हमें लगता हो कि बुरी लग सकती है, तो हम पहले से उस बात को क्लियर कर देते हैं कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम सामने वाले को ऑफेंड करना चाहते हैं या उसको दुख पहुँचाना चाहते हैं अपनी बातों से। इसलिए वहाँ पर पहले विद नो ऑफेंस कहा जाता है कि सामने वाले को बात बुरी ना लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि विद नो ऑफेंस योर मजेस्टी महाराज, द थर्ड फूल इज़ यू, मतलब जो तीसरे मूर्ख हैं वो आप हैं। एज़ यू डायरेक्टेड मी, जैसा कि आपने मुझे निर्देश दिया, टू डू सच अ टास्क, मतलब इस तरह का काम करने का, ऑफ लुकिंग फॉर फूल्स, मतलब मूर्खों को ढूंढने का। एंड द फोर्थ वन इज़ आई, और जो चौथा है वो मैं हूँ। फॉर एक्टिंग, मतलब काम करने के लिए, ऑन योर डायरेक्शंस, आपके दिशा निर्देशों पर। एट बीरबल्स आंसर, मतलब बीरबल के जवाब पर, अकबर कुड नॉट हेल्प लाफिंग, जो अकबर थे वो हंसने से नहीं रुक सके। एंड अप्रिशिएट हिज मिनिस्टर्स रेडी हिट, और उन्होंने अपने जो मिनिस्टर का ये जो अंदाज था, ये जो एक रेडी हिट था, मतलब जो उनका एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो जवाब था, उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी, आपको सुन के मज़ा आया होगा। यदि आपने कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड if you have not subscribed the channel yet, it's my request guys, please subscribe the channel and press the bell icon, and if you press the bell icon then you will keep getting the notifications whenever I upload a new video or I upload any post in the community. And apart from this guys, I would also like to inform you that, you know, very soon we gonna start English speaking course only for the members. So if you have not joined the channel yet, it's my request you can join. And if you join level 1, then you need to pay only 59 rupees a month, where you can join our channel and you become the member of English Babu channel. And that benefit which you gonna get, because as I just told you, after some time when we have enough number of members, we will be bringing new videos, and not only for the stories, but we will be bringing new exclusive videos for the purpose of English speaking, and these type of videos are going to be available only for the members only. So guys, it's my request that, you know, if you just see my work now if you really like the way I teach, then it's request that, you know, you can join my channel so that you can also get the membership, so that you can also get the knowledge of grammar. And apart from this guys, you can subscribe my channel. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.